पिछले 72 घंटे में 14 लोगों की जहरीली शराब की मौत के बाद अब कांग्रेस ने भी सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़, उन्होंने पूछा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय जायसवाल जवाब दे आकर के कि आखिर बिहार में जहरीली शराब बना कौन रहा है। आप बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं मगर दिखता तो नहीं है कि बिहार में शराब बंद है। पूरे बयान में उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई है और क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौड़, आप सुनिए। ये मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उसे लोगों की मौत हो रही है और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो क्या अधिकारी लिपापोती करना चाहते हैं या अधिकारियों के पास विशेष ज्ञान है? ऐसे कौन कौन से अधिकारी नीतीश कुमार जी के पास है जिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही पता चल जाता है कि किन कारणों से मौत हुआ है? तो ऐसे अधिकारी की सूची हम लोगों को भी प्राप्त कराएं ताकि कांग्रेस पार्टी हर जिला में घूम घूम के ऐसे पदाधिकारियों को सम्मानित करे कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाए, बिना पढ़े, बिना जाने ये क्लियर कर देते हैं कि जहरीली शराब से मौतें नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी और पदाधिकारी इसको लेपापोती करना चाहते हैं इसलिए कि उनके अपने नौकरी के खतरा है। अगर स्पष्ट हो जाता है कि जहरीली शराब से मौत हुआ तो थानेदार नपेंगे, इंस्पेक्टर नपेंगे, DSP नपेंगे, SP तक बात आएगी। तो इससे है कि आप एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाइए कि क्यों, किनके कारण जहरीली शराब से मौत हुई और उसके बाद दोषी अधिकारी पदाधिकारियों को जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शराबबंदी बिहार में नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री चाहेंगे सिर्फ थानेदार को नाप दें, निचले स्तर के अधिकारी को नाप दें, उससे नहीं होगा। जब तक बड़े पदाधिकारियों को नहीं नापेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक शराबबंदी दूर, तो जहरीली शराब से मौत जो हो रही है उससे भी भयावह होने की स्थिति है, क्योंकि कैंसर की तरह शराब माफिया घर घर तक पहुंच चुका है। बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी के अध्यक्ष कर रहे हैं कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत। बीजेपी के नेता कल किन पे बोल रहे हैं? कल संजय जायसवाल जी भी कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय जायसवाल जी मुख्यमंत्री पे ही कार्रवाई करें, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करें। अब संजय जायसवाल दूसरों की बात करते हैं, पहले तो जवाब दें कि उनके जो कोटे के मंत्री हैं जिनके भाई के स्कूल में शराब का खेप पकड़ा गया, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? उस मंत्री को इन्होंने बर्खास्त किया? तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी जहरीली शराब और शराब माफियाओं का ठिठरा एक दूसरे पर फेंक के शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष है तो पहले अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करे तो स्पष्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों शराब माफियाओं के चंगुल में जकड़े हुए हैं। तो आपने सुना सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राजेश राठौर का आरोप है कि बिहार में संरक्षण में, बीजेपी JDU के संरक्षण में ही शराब जो है वो बिकवाई जा रही है। यहाँ तक कि रामसूरत राय के भाई पर भी आरोप है शराब बिकवाने का। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके भाई पर कार्रवाई की? और ऐसे कितने लोग हैं जो शराब बिकवा रहे हैं सत्ता संरक्षण में, क्या उन पर कार्रवाई की गई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दें। फिलहाल अब आगे क्या होगा, JDU की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके आएगा, उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस VR के साथ।